नहीं है। जीवन के पल में मेरे प्रियो, यदि मैं अपना जीवन का मैं गवाही बताऊं, मेरे जीवन में मैंने बचपन से चलने के लिए मैं शुरुआत किया अपने यीशु मसीह के साथ में। यहाँ पर कुछ लोग है ना, मुझे देखे हैं मेरे बचपन का चाल को, बचपन में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहा था। यहाँ मैं कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जो हर्रा मार से दीदी लोग आए हुए हैं, है ना, उन लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे। हर्रा मार जब मैं प्रकाश पास्टर के साथ में जब सेवा करने आता था, साइकिल चलाते हुए आते थे, साइकिल इतना छोटा हम लोग लड़का थे, इस सब डंगूरा को इसी रास्ते से जाते थे। मुझे नहीं मालूम था कि डंगूरा में विश्वासी है। उस समय से मैं पास्टर को देख करके मैं पास्टर बना था। मुझे लगता था पास्टर लोगों को बैच पहनाते हैं, अभी तो माला तो नहीं पहना है, माला पहनाते हैं और उसके बाद में ताली बजाते हैं। पास्टर लोगों के लिए क्या करते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। मतलब मैं भी पास्टर बनूंगा, नकदे मंजारी पास्टर बना है ना। कभी तो खाना भी नहीं मिलेगा, कभी तो सोने के लिए भी नहीं मिलेगा, कभी तो दुख। कई बार मैं अपने पर्स को मैं देखता हूँ सेवा के क्षेत्र में, कई बार खोल के देखता हूँ पैसा भी नहीं है। यदि मैं बना करके बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, हम बोलते हैं कैसे करेंगे जी, आगे मैं किस्त के लिए पैसा नहीं है, आगे सेवा में जाने के लिए पैसा नहीं है। घुटना में वो बोलते हैं चलो हम घुटना में आते हैं। चलना आसान नहीं है मसीह के साथ मेरे प्रियो, मसीह के साथ में चलना आसान नहीं है। आपको पैसा रोकेगा, आपको धन रोकेगा, आपके जीवन में निराशा आएगा, लेकिन कितने लोग आज चाहते हैं मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं आनंद के साथ यीशु के साथ में चलूंगा। जय आपके इंतजार कर रहा है, जय आपका इंतजार कर रहा है, महिमा आपका इंतजार कर रहा है। यार उसकी बेटी मरी थी, मरने वाली थी, उसको यीशु के साथ चलना चालू किया, आप जानते हैं। लेकिन बीच में मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह यार का बेटी से ज्यादा ध्यान एक महिला को देने लगा, बोले कोई महिला तो मेरे को छुपी है, ढूंढो उसको, उसको ढूंढो, उसको खोजो। और यहाँ पर यार को अब घबराहट चालू हो गया, मेरा बेटी कैसा हो रही होगी। पहला चीज, पहला रुकावट मन का विचार। यदि मान के चलिए आपसे पहले किसी और को आशीष मिल जाए, आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मान के चलिए ये दो बहनों लोगों को उदाहरण लेते हैं, खड़े हो जाइए आप लोग दोनों बहन, सब लाले लाल दिख रहे हैं इसलिए। चलिए कौन पहले विश्वास में आया, आप आए, आप पहले विश्वास में आए, ताली बजाएंगे बहन के लिए। और आप कितने साल के बाद में आए, इसके एक साल के बाद में, चलो ज्यादा गैप नहीं है। अब मान के चलिए एकदम उपवास कर रही, प्रभु मुझे वरदान चाहिए, मैं सब चीज में आगे रहूं, मैं आगे में उधर मुंह करिए सब लोग देखेंगे तो ठीक नहीं। मान के चलिए अनिता बहन है, इसका नाम सुनीता बहन की क्या, अच्छा सुनीता है नाम, अनिता सुनीता अच्छा नाम है। चलिए तो ये बहन है और ये एक साल के बाद में आई, और एक कब से है, कितना साल हो गया बहन अनिता बहन, 10 साल तो हो गया होगा, और इसका 5 साल हुआ है। मान के चलो कब से तड़प रही है, प्रभु मुझे दान चाहिए, वरदान चाहिए, और ये ही बहन को, सुनीता बहन को अनिता बहन ही लाई विश्वास में, और 5 साल हुआ इसका नहीं। एकदम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है, पास्टर बोल रहे सुनीता बहन आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, अनिता बहन ऐसा दिख रही है, मैं 10 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, पास्टर मेरे को सामने नहीं बुलाते हैं, 2 साल हुई सुनी है, वो मारे बढ़िया गाना गाया आराधना करवाए। अनिता बहन से पूछना चाहूंगा कैसा लगता, इधर दिखे कैसा लगेगा, मैं तो 10 साल से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, लेकिन वो 2 साल हुआ नहीं है, मैं ही उसको विश्वास में लाई, मेरे से आगे बढ़ गई, प्रभु उसको ज्यादा ध्यान दे दिए, पता नहीं पास्टर उसको उधर साइड में जाकर के अच्छा से प्रार्थना करते होंगे, वो ज्यादा वरदान से भर गई। बहन के मन में कुछ कुछ होने लगेगा, बैठ जाइए, ताली बजाते हुए दोनों बहनों का धन्यवाद करें। लगेगा कि नहीं लगेगा, सही सही बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ तो लगेगा। मन बोलेगा 2 दिन हुई से नहीं है, आगो आगो मन अलग ही है ना, अभी इनका 10 साल थी, नाम तड़पराल दान प्रार्थना दान चिदन दसवां चिदन इंद्र कमी रंज का दान धन में है। जब आपके जीवन में आप यीशु मसीह को पहले पकड़े, आपके पकड़ने के बाद में इसको रास्ता दिखा, लेकिन वो आपसे आगे नंबर। प्रभु के दास लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, हालेलुया, प्रभु आशीष करे। तो कैसा लगेगा बताइए, कैसा लगेगा आप बताइए, कैसा लगेगा। ओ दीदी बता देंगे, वही हरियर साड़ी पहनी हुई, अब हरियर ही हरियर वालों को देख रहे हैं, वही दीदी वहां, हाँ मुस्कुरा रही, वही कैसा लगेगा आपको बताइए। हाँ आप खड़े हो या फिर, हाँ कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए आप बहुत कम आदमी लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों को आशीष मिल जाए, और मैं 10 साल से उपवास करते रहूं, मेरे का परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा कमरे दर्द ठीक नहीं हुआ, अच्छा लगेगा आपको।
नहीं लगेगा, ये तो पूछना चाहता हूँ। बैठ जाए, ताले बजाएंगे। विश्वास का पहला रुकावा है, आप अपना जीवन को देखिए, दूसरों को मत देखिए। वो आपसे पहले आशीष पा रहे, कोई बात नहीं। आप 5 साल से 10 साल से आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप यीशु के साथ एकदम चल रहे हैं, जैसा तैसा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपके जीवन में ध्यान नहीं दे रहा है, पास्टर आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन 2 महीना हुआ नहीं, उसको एकदम स्टेज में माइक दे दिया। इधर बहन लोग ऐसा दिखेंगे, 2 दिन मलका मंच का और स्टेज में डंडी पाड़ी, हम 10 साल मुक्का दाम कैसे लगेगा? आराधना करने वाले बहन लोग बताए कैसा लगेगा? एक ऐसे लगो दीदी, अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसे कैसे लगो भैया है ना, जम्मा में से 2 दिन का भर जाओ गिरजा, उसको कैसे प्रभु आशीष कर रहा है? मेरा पहला विश्वास का रुकावट ही है आपके मन के अंदर का विचार। दूसरों का आशीष को देख करके आप मसीह के साथ चलना बंद मत करें, ताले बजाते में आराधना करें, हालेलुया। आपका विचार कि आपके साथ आराधना में बैठने वाली बहन आपके बाद में विश्वास में आई, लेकिन आपसे पहले ज्यादा आशीष पा गई, आपसे पहले वो पास्टर उसको मौका देना चालू कर रहा है, वो प्रचार करना सीख गई, आप 10 साल से वो पीछे कुंडा में बैठे हैं, है ना, पास्टर मेरे को क्यों मौका नहीं दे रहा है, मैं भी तो चाहता हूं वैसा। ये पहला मन का विचार, लेकिन अपना समय को इंतजार करिए, हालेलुया। जैसे परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया वैसे याकूब को नहीं दिया, और जैसे याकूब को आशीष दिया वैसे दाऊद को नहीं दिया, जैसे दाऊद को आशीष दिया वैसे पौलुस को नहीं दिया, जैसे पतरस को इस्तेमाल किया पौलुस को नहीं किया, और जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया पतरस को नहीं किया, लेकिन परमेश्वर हर एक अपने समय में अपने आशीषों को भरा है, ताली बजाते हुए आराधना करें। आज मैं कहना चाहूंगा, विश्वास के सफर में भले हमसे पहले कोई चला जाए कोई बात नहीं, हमसे कोई अच्छे बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं यदि यीशु मसीह को न्योता दिया हूं, मेरे घर में तो जीवन आ रहा है, हालेलुया। और मैं दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, नानी के घर जाते थे तो खाली हाथ जाते थे कि कुछ लेके जाते थे? क्या क्या लेके जाते थे? बिस्कुट आसमा, और उसके बाद में रास्ता में कौन मिलता था? फुआ का घर। और पापा मम्मी को बोलता था का मेनल दिन जी अदाई आसमासमी कम के दिन आदमी कटी उनके अंदर नाना जी, लेकिन याद रख के तंग अच्छी हुई आते क्या ला लगी, हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा याइर ने न्योता दिया है यीशु मसीह को, असली जीवन तो याइर के घर में पहुंच रहा है, ताले बजा तो आराधना करें। कितने लोग चाहते हैं कि आपके यीशु मसीह को बुलाने के द्वारा आपका पड़ोसी आशीष पाए, कितने लोग चाहते हैं कि आप दूसरों का आंसू पोंछने वाला बने, कितने लोग चाहते हैं कि आपका धन दूसरों को बचाने के लिए काम आए, हाँ तो